मित्रों, मैं पूर्णिमा स्वरूप लखनऊ से। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए सर्दियाँ आ गई हैं और हर किसी को जहाँ भी निकलिए, सड़क पर, नर्सरी में, गार्डन में, विंटर के फ्लावर की ही बहार दिखाई देती है। मित्रों, तो हम गार्डनर तो उसकी तरफ खींचते ही चले जा रहे हैं। कल मैं थोड़ा कहीं काम से गई थी तो मुझे नर्सरी पड़ी, तो मेरा मन हुआ चलिए विंटर के फ्लावर ले लेती हूँ। तो आज को आपको बता रही हूँ मित्रों कि मैंने कुछ थोड़े बहुत विंटर के फ्लावर खरीदे हैं। वो किस रेंज में हैं, कैसे उनका रिपोर्ट करते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। मित्रों देखिए, ये गुलदाउदी के पौधे हैं। मेरे पास पहले से 6 पौधे हैं, लेकिन अभी उसमें केवल कलियाँ आई हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। 2 पौधे मैं गुलदाउदी के लाई हूँ, ये मुझे 50-50 रुपीस के मिले। ये देखिए कितना सुंदर कलर है फ्रेंड्स इसका, ये देखिए इसका कलर भी बहुत सुंदर है। और फ्रेंड्स, मैं 2 पौधे डहेलिया के लाई हूँ, वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए बहुत भारी पौधा है, उठा तो नहीं बन रहा है, अभी रिपोर्टिंग करनी है इनकी। और ये देखिए एक पौधा ये लाई हूँ फ्रेंड्स, ये भी डहेलिया है। और ये देखिए मैरी गोल्ड के इतने पौधे लाई हूँ, ये देखिए 5 प्लांट्स लाई हूँ, ये मुझे 50-50 रुपीस के मिले हैं। और आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं ले आ चुकी थी लेकिन थोड़े अभी और लाई हूँ। ये पिटूनिया है, ये मुझको 15-15 रुपीस में मिले हैं, ये देखिए। और मित्रों, मेरे पास सकुलेंट के कुछ पौधे थे जो बरसात में खराब हो गए थे, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सकुलेंट के 4 पौधे लाई हूँ और इनको लगाने के लिए भी प्लांटर भी लाई हूँ। ये देखिए 4 प्लांट लाई हूँ इनको लगाने के लिए, ये देखिए छोटे छोटे प्लांटर भी लाए। अब मित्रों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि डहेलिया की और गुलदाउदी की मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो पहले इनको पन्नी को ऐसे किसी चाकू से, ब्लेड की सहायता से काट लेते हैं और इनको धीरे से देखिए पॉलिथीन से अलग कर लेते हैं, क्योंकि जड़ों को हम छेड़ते नहीं है मित्रों, नहीं तो सूख जाएंगे। और ये देखिए मेरे पास पिछले साल के ये 4 प्लांटर रखे हुए थे, इनमें ही मैं लगाऊंगी। ये देखिए इसमें आधे तक मट्टी भरी हुई है, अब फिर से आधे में मट्टी भरी हुई है, लगा दे रहे हैं, फिर ऊपर से थोड़ी मट्टी डाल। और किनारे किनारे ऐसे हाथ से दबा देंगे जिसमें इसमें बबल्स ना रह जाए, एयर बबल्स खत्म हो जाए मित्रों। ये देखिए गुलदाउदी की रिपोर्टिंग होगी। अब मित्रों, आपको दूसरा गुलदाउदी को लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये पौधा है मेरे पास, इसकी पॉलिथीन को मैंने एक तेज चाकू की सहायता से काट लिया है और धीरे से इसकी जड़ों को हटा दिया। मित्रों, मैंने आपको बहुत पहले सॉइल बनाने के तरीके बताए थे, तो सॉइल मेरे पास तो पहले से तैयार है। इसमें गार्डन सॉइल है 60%, गोबर की खाद है 40%, 20% और 20% इसमें सैंड मिली हुई है। सैंड इसलिए हम गार्डनर मिलाते हैं कि इनकी मिट्टी भुरभुरी रहे। भुरभुरी रहेगी तो पानी ठहरेगा नहीं, पानी ठहरेगा नहीं तो पेड़ खराब नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, हमें डहेलिया के लगाने का टाइम आ गया है। इनकी पॉलिथीन को मैंने पहले ही अलग कर दिया था, ये देखिए कितना सुंदर पौधा है। इसमें भी वही तरीका है, आधे गमले में मट्टी मैंने भरी हुई है, फिर आधे में फिर से मट्टी डालनी होगी। डहेलिया का पौधा और रह गया है फ्रेंड्स, ये देखिए इनको भी मैं काट के अलग कर ले रही हूँ। ये पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन धीरे धीरे इसे लगाना तो हमको भाई है। जड़ों को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए, अभी इसमें फ्रेंड्स मैं कोई बेस लगाऊंगी जिससे कि ये रुका रहे। विंटर के
के फ्लावर तो मित्रों गर्मी के फूल भी अच्छे होते हैं, लेकिन विंटर में तो तरह तरह के कलरफुल फ्लावर होते हैं जो हर कोई को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम लोग भी इसी तरह से देखिए इसकी रिपोर्टिंग भी हो गई फ्रेंड। अब करना हमको ये है, ये वाले पौधे तो छोटे छोटे गमलों में लगे ही हुए हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा बड़ा पॉट देना पड़ेगा। और अब क्या करना है मित्रों, सबसे लास्ट काम है हम पौधों में वाटरिंग कर देते हैं, एक दो दिन शेडी एरिया में रखेंगे और फिर इनको धूप में रख देंगे, प्रॉपर धूप में। देखिएगा इनको अपडेट दिखाऊंगी एक हफ्ते बाद आपको फ्रेंड, पौधे लग के तैयार। ये रहा मित्रों मेरे विंटर के फ्लावर की रिपोर्टिंग और ख़रीदारी। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसे लगा मेरा वीडियो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।